काफ़ी सारी लड़कियों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला लड़का मुझे पसंद करता है या नहीं करता। फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली हुई थी जिसके अंदर मैंने सारे वो हिंट बताए हुए थे कि जब कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वो ये चीज़ें करेगा। तो उसमें जो सबसे एक कॉमन हिंट है वो ये हिंट है कि अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो आप नोटिस करेंगी कि वो काफ़ी बार आपको आपकी साइड देखते हुए मिलेगा। जब भी आप उसे देखोगे या अचानक से, कई बार ऐसा मोमेंट होता है जैसे आप क्लास में हो, स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी हो, जैसे तो कोई भी ऐसा अब नॉर्मल सा सीन हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो इंसान जो है जो आपको पसंद करता है, आप में इंटरेस्टेड होगा, तो वो आप देखिएगा सबसे पहले वो आपकी साइड ही देखेगा। फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में किसी ने भी जोक मारा या क्लास में किसी ने भी जोक मारा है, क्लास में कोई अजीब सी बात चल रही है, तो फिर आप नोटिस करिएगा कि वो इंसान सबसे पहले आपकी साइड देखता है। क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट होता है कि जब भी हम किसी के अंदर इंटरेस्टेड होता है तो हमारा जो मन है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम ना चाहते हुए भी उसी की साइड देखते हैं, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको नोटिस करने के लिए। तो अगर कोई इंसान आपको सही में पसंद करता है तो वो भी आपके एक्सप्रेशन को सबसे पहले नोटिस करना चाहेगा, और ये एक सबसे कॉमन फैक्टर था। अब इसके बाद लड़कियों की क्या क्वेरी थी कि भाई लड़का मुझे देखता भी है, बार बार देखता है, वो देखता रहता है, फिर भी वो मुझे कुछ आके बोलता क्यों नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म होगा कि हाँ भाई वो मुझे सही में पसंद करता है, क्या पता वह नॉर्मल ही देख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये एकदम क्लियर करना है कि सच में वो आपको देख रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि सामने वाला इंसान हमें देख रहा है, बट सामने वाला इंसान भी हमें इसलिए देख रहा होता है क्योंकि हम उसको बार बार देख रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो कोई हमें बार 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 देखता है। तो आपने कभी ये नोटिस किया कि भाई हम भी तो उसको बार बार देख रहे हैं, हम उसको इस वजह से देख रहे हैं कि वो हमें देख रहा है, और वो भी हमें इस वजह से देख रहा होता है क्योंकि हम उसको देख रहे होते हैं। तो आप ये चीज़ एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा अपने किसी फ्रेंड से बोल के, या कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो किसी खास को बोल के कन्फर्म कर लीजिए कि सामने वाला इंसान जो है, लड़का जो है, वो आपको सही में आपको ही नोटिस कर रहा है या ये सिर्फ आपका मन का वहम है। फिर अगर जब आपको ये बात एकदम कंफर्म और क्लियर हो जाएगी, हाँ वो आपको काफ़ी नोटिस करता है और मतलब आपको बात बात पे थोड़ी थोड़ी देर में आपकी साइड देखता रहता है, तो ये आपका कंफर्म होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है कि वो लड़का आगे से आके आपसे बात करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप देखें वो लड़का आपकी साइड देख रहा है तो आपको उसको स्माइल पास करनी है। जब जब आप नोटिस करें कि वो आपको देख रहा है तो उसी वक्त आपको उसको अच्छी सी प्यारी सी एक स्माइल पास करनी है, और जैसे ही उसको ये स्माइल रिसीव होगी तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार पांच बार, तो आप जब भी उसको बार बार स्माइल पास करोगी तो इससे क्या है, वो लड़का थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जब तक उस लड़के को कंफर्म नहीं होता कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो, तो उसको कई बार क्या होता है, लड़के भी शर्मीले होते हैं, और स्पेशली जो स्कूल के लड़के होते हैं और उसके बाद कॉलेज के फिर भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट स्कूल के तो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, तो उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं होता कि कैसे किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, कैसे किसी चीज़ के लिए हम आगे बढ़े। अगर मतलब उनको भी डर लगता है मन में कि क्या पता मेरा वहम हो, कल को मैं इस लड़की को जाके बोलूं और फिर ये लड़की गुस्सा हो जाए, सो बातें हैं ऐसी, तो इसलिए आपको अपनी साइड से उसको कन्फर्मेशन देनी ज़रूरी है कि हाँ आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो। एक बार जब आपको पता चल जाए कि लड़का आपकी साइड देख रहा है और कन्फर्म हो जाए कि वो सिर्फ आपको ही देख रहा है, तो आपको सिर्फ उसको एक प्यारी सी, जब भी वो आपकी साइड देखे, एक प्यारी सी मनमोहक स्माइल देनी है, और आपकी ये जो स्माइल है वो आपका पूरा काम कर देगी। इस से वो लड़का आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, और फिर देखिएगा अगर वो सही में आपसे आगे बात बढ़ाना चाहता है तो आपके चार पांच बार स्माइल करने के बाद वो किसी ना किसी बहाने से आगे से आके आपसे बात करेगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि नेक्स्ट टाइम अब आपको क्या करना है। अब आपकी ये क्वेरी आई होप कि सॉल्व हो गई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख दीजिए। अगर आपको कोई और हिंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकती हैं। थैंक यू।